सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मेरे वापस से पार्ट टू वाले व्लॉग में। तो आप मेरे पीछे देख पा रहे जो मैंने अभी रिसेंटली एक व्लॉग डाला था जहाँ पे हम लोग का एयर कंडीशन का काम चालू है और उसी जगह पे फिर से आया हुआ हूँ। कुछ वायरिंग वगैरह बाकी है और मशीन का टेस्टिंग बाकी है, तो चलिए देखते हैं वो। और थोड़ा सी ग्रिल्स लगाने की भी बाकी है तो उसे भी करते हैं कम्प्लीट और दिखाते हैं कि किस तरह से अंदर की तरफ काम चल रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो हमारे यहाँ पे नए कारीगर आए हैं उस दिन अशोक भाई के साथ, जो सुमन काबिर है, आज प्रतीक है। और यहाँ पे जो मशीन का अंदर की तरफ चेक कर रहे हैं क्या है किस तरह से, और वहाँ पे हमारे मिस्त्री काम कर रहे हैं ऊपर, जो ये सारी की सारी लाइनिंग ग्रिल्स लगा रहे हैं। और हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं और साथ ही में इनकी जो है हेल्प कर रहे हैं ये लैडर पकड़ने के लिए, ताकि ये सपोर्ट अच्छे से बना रहे और अच्छे से जो है काम कर पाए ऊपर की तरफ। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, मशीन टेस्टिंग करना है। यहाँ पे वायरिंग जो है कंप्लीट कर रहे हैं और मशीन टेस्टिंग करते वक्त मिलते हैं। सो ये हमारे मिस्त्री है सतीश भाई, जिन्होंने ये पूरी की पूरी ग्रिल जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वहाँ तक और इस तरफ भी है, तो ये पूरी की पूरी जो लाइनिंग ग्रिल है हमारे डक्ट में हमारे सतीश भाई मिस्त्री ने लगाई है। और आज मैं फिर से जो है आया हूँ यहाँ पे एक बार साइट विजिट करने के लिए और थोड़ा बहुत जो काम बचा है उसको भी कंप्लीट करवाने के लिए। और हमारे अशोक भाई जो है पीछे की तरफ से एयर कंडीशन के थोड़े बहुत वायरिंग बाकी है वो भी कर रहे हैं, और उसके बाद होते ही हम लोग जो एसी का टेस्टिंग भी कर लेंगे। तो वायरिंग भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से करते हैं, और पीछे भी चलते एक बार आउटडोर के पास भी के कैसे जो है कॉपर वे कनेक्ट हुआ है और वायरिंग किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे सतीश भाई मिस्त्री ने ग्रिल कंप्लीट कर ली है, और कुछ इसी तरह से वहाँ सामने भी आप लोग देख पा रहे होंगे वहाँ पे भी जो ग्रिल का कुछ इसी तरह से कटआउट है, तो उसको भी जो है फिलअप करना है। और चलिए अब आपको लेके चलता हूँ पीछे अशोक भाई के, वहाँ पे वो वायरिंग भी करे तो आपको वायरिंग भी एक बार दिखाता हूँ, आउटडोर में कॉपर पाइपिंग कैसे कनेक्ट है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो चलिए चलते हैं पीछे। तो यहाँ पे हमारे अशोक भाई जो है आउटडोर्स पे वायरिंग कर रहे हैं और अंदर जो है प्रतीक चेक कर रहे हैं, और हमारे ये डक्टिंग वाले दो हर्षद और ये कोचिंग की पूरा अभी भी हो गया, अभी भी छोड़ दिया था। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे आउटडोर लगे हुए हैं पांच आउटडोर लाइन में, और इसी तरह से सामने की तरफ। अरे कोचिंग के क्या करना है, पता मत चले जल्दी जाओ। तो ये जैसे ही वायरिंग कंप्लीट होता है हम लोग जो है अंदर की तरफ एयर कंडीशन जो है चालू करके चेक करेंगे और देखेंगे कि सब में अच्छे से कूलिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, और सब मशीन ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो देखेंगे। तो इसको वायरिंग कंप्लीट करने दे, फिर अंदर जाते हैं और चेक करते हैं अंदर की तरफ मशीन कंप्लीट वर्क कर रहे हैं क्या है नहीं कर रहा है। हमारे अशोक भाई आज लाल टोपी पहन के आए हैं, चालू ही करके जाएंगे। और कुछ इस तरह से यहाँ जो है पैनल रूम में यहाँ पे अलग अलग मशीन के लिए रिमोट्स लगाए हुए हैं। ये मशीन जो है स्टार्ट किया है, ये भी कर दिया है स्टार्ट, इसमें कुछ एरर आ रही है तो उसे जो है सॉल्व करना होगा। ये मशीन स्टार्ट हो गया है, और उसी तरह से यहाँ पे भी एक एरर है, और सारे मशीन जो इसी तरह से चेक करेंगे और एरर्स होंगी तो उसे जो है क्लियर करेंगे। कुछ इस तरह का जो है पैनल रूम है यहाँ पे, यहाँ पे रिमोट लगाए हैं पीछे की तरफ, और अंदर भी जो है एसी स्टार्ट हो गया है एक, तो चलिए अंदर भी दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे अंदर हॉल के अंदर आ गया हूँ, और ऊपर जो मिस्त्री अभी भी ग्रिल्स लगा रहे हैं, और आपने देखा कि रिमोट हमने दो चालू किए थे तो ये 11 का मशीन एक चालू हो गया, और एयर का साउंड भी आप सुन पा रहे होंगे, नॉइस जो है एयर का। और उसी तरह से सामने की तरफ वाला जो है 5.5 टीआर वाला मशीन चालू हो गया है, ये सामने वाला मशीन,
तो इसी तरह से जो है सभी की सभी एरर्स क्लियर करते हुए सभी के पास सभी मशीन जो है चालू करेंगे और चेक करने के बाद कूलिंग भी एक बार टेस्ट करेंगे कि परफेक्टली कूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा ऑल क्लियर कूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कूल हो जाएगा उसके बाद जो है हमारा काम यहाँ तक खत्म और फिर जो है जाएंगे घर की तरफ। तो यहाँ पे जो है सी ई करके एरर आया है, तो ये है कम्युनिकेशन फॉल्ट। यहाँ पे जो है एरर्स के डायग्राम भी दिए गए हैं, डिटेल्स दी गई हैं, तो उसी तरह से जो है चेक करते करते सभी रिमोट से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और एसी ऑन करेंगे। और यहाँ पे जो इसकी कंट्रोल पैनलिंग है पूरी इलेक्ट्रिकल पैनल एमसीबी स्विचेस वगैरह एसी के लिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे लास्ट व्लॉग में कि 11 टन के जो मशीन है उसमें दो कंप्रेसर्स दिए गए, तो इसी तरह से यहाँ पे जो है कंप्रेसर वन यहाँ पे ब्लिंक मारा, इट मीन्स कि ये अभी लोड ले रहा है और जैसे ही ऑन हो जाएगा कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जो है दोनों कंप्रेसर्स का ब्लिंक ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा कंप्रेसर वन एंड कंप्रेसर टू, मतलब ये मशीन प्रॉपरली वर्क कर रहा है और ऑन भी हो गया, दोनों कंप्रेसर जो है लोड पे आ गए हैं। ये हमारे प्रतीक भाई, हमारे अशोक भाई ऊपर कुछ कर नहीं पाए, तो अभी खुद हमारे बॉस कार्तिक भाई ऊपर पहुंच गए हैं। तो थोड़ी आर एंड डी उनकी तरह से भी हो जाए, क्या बोलते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? उन्हें कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो जल्दी मशीन चालू हो जाएगी, हम घर जल्दी जा पाएंगे। तो देखते हैं, उन कुछ कर पाते तो बहुत अच्छा है, घर जल्दी जा पाएंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, करते हैं कि नहीं करते देख लेते एक बार। तो उनकी तरफ से जो है R&D होगी लेकिन कुछ नहीं हो पाया, अभी कंपनी में जो है कॉल करके पूछ लेते क्या होता है। और यहाँ पे हमारे मिस्त्री, एक ग्रिल जो है उल्टा लगा दिया था, वेंटिलेशन नीचे की जगह ऊपर दे दिया था, तो वापस से चेंज कर दिया है और ग्रिल जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। पहले दिन आके जो मैंने व्लॉग बनाया था कि एग्जॉस्ट फैन फिट करना है, तो ये जो है पूरा का पूरा यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन रखा हुआ है, कुछ इस तरह का फैन है अंदर। तो ये जो है पीछे की तरफ जहाँ पे पाइप निकला वहाँ पे लगने वाला है, तो इस तरह से कुछ जो है यहाँ पे इंसुलेशन लगा रहे हैं ताकि वाइब्रेशन थोड़ा कम आए और एयर लीकेज ना हो। कोचिंग की साहब कुछ कर रहे हैं, जो अभी ऑफिस के लिए नहीं थे एक्चुअली, मुझे और मिस्त्री को ऑफिस पे थोड़ा काम आ गया था अर्जेंटली, तो हमारे बॉस जो आए थे अभी वो यहाँ पे संभालेंगे, हम लोग जो आए रहे अभी ऑफिस में। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं साइट से जो है निकल गया था, मुझे अर्जेंटली ऑफिस में काम था मिस्त्री के साथ, तो अशोक भाई जो है वहीं थे और हमारे बॉस जो है वहीं पे थे, और अशोक भाई ने जो है मशीन चालू कर लिया था और जो है सब टेस्टिंग करके वहाँ से आए थे। और उन्होंने एक्चुअली किया क्या था, तो वहाँ पे जो है अशोक भाई मशीन नहीं चला था, तो उन्होंने सर्किट भी चेंज कर देख ली, जो मशीन वर्किंग था उसमें से सर्किट निकाल के दूसरे मशीन में डाल के देख लिया, तो भी नहीं हुआ चालू। उसके बाद जो है वायरिंग भी सब चेक की थी, सब परफेक्ट थी वायरिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और लास्ट में उन्होंने जो है रिमोट जो मशीन का चालू था वो रिमोट निकाल के दूसरे मशीन में जो है लगाया, तो वो मशीन भी जो है स्टार्ट हो गया। और आपको ध्यान देने वाली चीज़ यहीं पर है कि अगर आप रिमोट लगा रहे हो तो आपको जो है रिमोट अच्छे से चेक करना होगा और ध्यान रखना होगा एक चीज़ का, जो यहाँ पे सॉल्यूशन हमको मिला है उस चीज़ का, और उसी में ट्रिक है, उसी में एक सॉल्यूशन है। अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखोगे तो आपका मशीन जो है कभी चालू नहीं होगा, लेकिन ये सॉल्यूशन जो मैं आपको इस वाले वीडियो में नहीं दूंगा, मैं एक अलग से दूसरा एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ। हमारे यहीं पे रोला डुंगरी में जो एक और एक साइट चालू है जहाँ पर हम लोग ने
11 और 5.5 डीआर के मशीन्स डक्टेबल लगाए हैं आकाबीसी के। तो वहाँ पे जब हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे, वहाँ पे रिमोट सेट करेंगे, तभी आपको मैं एक अलग से नया ब्लॉग दूंगा और वहीं पे जो है सॉल्यूशन आपको दूंगा कि किस तरह से हम लोग ने जो है ये वाली साइड पे प्रॉपरली मशीन स्टार्ट किया। क्या कहना है आपका, तभी देंगे? तभी। तो अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, और ये वीडियो जब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।